हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो अभी हो रहा है रात का 8 बज रहा है और हस्बैंड घर में नहीं है, हस्बैंड कहीं गए हैं। दोनों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं एक साथ बिना लड़े। आधा घंटा हो गया दोनों को पढ़ते हुए, लेकिन अभी तक उधर से कोई आवाज़ नहीं आई है। तो यानी कि बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं तो अभी तक तो 2-3 बार मारा पीटी हो गया होता। दोनों बच्चे अभी दूध पी के गए हैं पढ़ने के लिए और हस्बैंड कहीं गए हैं। और मैं बैठे बैठे सोच रही थी कि खाना क्या बनाऊँ, खाना क्या बनाऊँ। तो मुझे एक आइडिया आया। आइडिया यानी कि एक एक ख्याल आया। ख्याल नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। ऐसा है कि अंडा है घर में, तो सोच रहे हैं कि अंडा आलू की सब्जी बना ले। वो जो छोटी वाली आलू, नहीं मैंने बताया था कि हस्बैंड लेकर आए थे, तो उसी का बनाएंगे। और क्या बनाएंगे? रोटी बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं बनाने के लिए और एक बार देख के आते हैं कि दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, उसके बाद काम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक टेंशन और। अभी क्या है ना कि शादी का माहौल चल रहा है, माहौल सीजन चल रहा है। सीजन चल रहा है। दो दो कार्ड आ गया है शादी का। कार्ड तो दे के चले जाते, मुझे हो जाता है टेंशन कि क्या पहने। और 1 हफ्ता हो गया, शादी है 29 को, एक है 22 को रिसेप्शन है। कार्ड इतना दिन पहले क्यों? कितना टेंशन हो जाता है कि क्या पहने क्या पहने। अब उनकी शादी में उधर जाएंगे तो क्या पहनेंगे, वहां जाएंगे तो क्या पहनेंगे, बहुत टेंशन हो जाता है। तो जाना है 22 तारीख को है रिसेप्शन, तो देखिए जाते हैं कि नहीं जाते हैं। पहले जहाँ जाते हैं काम करने के लिए जाते हैं। और मैंने ना ये ब्लैंकेट का खोल ही निकाल दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा भी हो गया था और अभी मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया ना, तो ठंड भी कम है, तो कुछ कहा भी नहीं जा सकता। मौसम कभी भी चेंज हो सकता है, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा तो है नहीं, कब गर्मी आ जाए कब ठंडी आ जाए, तो एकदम। लेकिन हाँ, मैंने आज खोल ही निकाल दिया है, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। और सोच रही थी ना कि थोड़ा थोड़ा जो वूलन वाला जो स्वेटर वेटर जैकेट वैकेट है सब खोली धो धो के अंदर डालते जाए बक्से में, तो क्या होगा ना कि एक साथ का बर्डन नहीं होगा, तो कम हो गया है, तो कोई टेंशन नहीं है। तो चलिए चलते हैं, बच्चों पे नज़र एक बार घुमा देते हैं, फिर चलेंगे खाना बनाने के लिए। तो चलिए, कितने सन्नाटे से ये बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई हंसेगा नहीं। जो पहले लड़ाई किया होगा वही हंसेगा। देखा जीसू हंस रहा है, यानी अभी इन लोग का कुछ ना कुछ हुआ। कुछ हुआ बेटा? लड़ाई झगड़ा? अरे बड़ा दम सीधे बच्चे। जिया ठीक हो? टोक दीजिए ताकि वो जाए। नहीं, टोकना नहीं है, बच्चे पढ़ेंगे मन लगा के। अदम दरवाजा सब बंद किए थे और चलते हैं आज थोड़ा बाहर। और एक चीज और, यहाँ पे मैंने यहाँ पे डॉल लगा दिया है ना, तो कुछ चेंज लग रहा है, अच्छा लग रहा है अभी ना। ये लाइट बंद करते हैं और चलते हैं बाहर। तो बाहर से हम लोग आ गए, एकदम सन सन्नाटा है, कोई नहीं है, सब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग भी चलते हैं खाना बनाने के लिए। पहले कप उठाते हैं, कप उठा के ले जाते हैं, उसके बाद चलते हैं किचन में बनाने के लिए अंडे आलू की सब्जी। तो चलिए किचन में मिलते हैं। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए, और मैंने अंडा और आलू दोनों को पहले ही बॉईल कर लिया था और छील लिया है। और अंडे को मैं चाकू से थोड़ा सा उसमें होल कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि जब अंडा को हम लोग फ्राई करते हैं ना तो वो फट जाता है, तो जलने का डर रहता है, तो इसलिए ऐसा करने से वो अंडा नहीं फटेगा और
जलेंगे भी नहीं आप लोग। ये पहले ना मेरे साथ अक्सर ऐसा होता था, लेकिन मेरी जो बड़ी वाली जेठानी है तो मैंने उनको ऐसा करते हुए देखा था, तो फिर मैंने पूछा तो उन्होंने बताया, तो ये ट्रिक उनकी है। और यहाँ पे आलू अच्छे से फ्राई हो गया है, और अभी अंडा फ्राई नहीं हुआ है तो अंडे को थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैंने ना खड़े मसाले, लहसुन अदरक प्याज सब पीस लिया है, और यहाँ पे मैं आलू निकाल दे रही हूँ। और अभी इसमें तेल भी कढ़ाई में बहुत ज़्यादा है, तो अभी अंडा को निकालने के बाद ना मैं इसमें से तेल भी थोड़ा सा कम कर दूँगी, और उसके बाद फिर इसमें मैं प्याज, हरी मिर्च और तेज़पत्ता डाल देती हूँ। और अभी ये फ्राई होने में टाइम लगेगा, तो इसको लाल करते तक इसको चलाते रहिए। और यहाँ पे ये प्याज अच्छे तरीके से लाल हो गया है, तो मैंने इसमें मसाले ऐड किए हैं। ये मसाले वही है जो मैं नॉर्मल सब्जियों में यूज़ करती हूँ, तो वही मसाले हैं। और अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा, मैं इसमें 1.5 चम्मच डाल रही हूँ। और अब मैंने इसमें डाल दिया हल्दी, और अब इसको मिक्स कर रही हूँ। और अभी मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी लाल मिर्च पिसी हुई, और जब तक ये तेल ना छोड़े तब तक इसे भूनते रहिएगा। तो यहाँ पे तेल अच्छे से छोड़ दिया है मसाला, तो मैंने इसमें एक टमाटर डाल दिया है। और अभी इसे और भुनेंगे मसाले को, क्योंकि टमाटर को भी गलना है और मसाला भी थोड़ा सा और भुनाएगा। तो इसको मैं थोड़ा देर के लिए ढक दूँगी, तो ये अच्छे से टमाटर गल जाएगा और मसाला भी अच्छे से भुन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से टमाटर गल चुका है, लेकिन मसाला अभी तक अच्छे से नहीं भुना है, तो इसको और थोड़ा देर भुनेंगे। क्योंकि जितना अच्छा आपका मसाला भुनता है ना, उतनी अच्छी टेस्टी सब्जी बनती है। तो मसाले को भुनने में कंजूसी मत करिए, थोड़ा देर और मैं भुनूंगी, उसके बाद इसमें अंडा और आलू डाल दूंगी। तो यहाँ पे मैं 5 मिनट हो गया इसे भुनते हुए, और अब मैं इसमें डाल दी हूँ अंडा और आलू। और अब इसमें ना मैं पानी ऐड करूँगी, तो जितना आपको ग्रेवी चाहिए आप उतना इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाला है, और अब मैं इसे ढक के छोड़ दूँगी थोड़ा देर इसे पकने के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना अच्छा कलर आ गया है सब्जी में, और ये पक भी गया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया की पत्ती। तो यहाँ पे सब्जी बन के तैयार हो गई है, ये देखिए क्या आया है, ये है केक और ये है फ्लावर। पहली बार मेरे हस्बैंड मेरे लिए ये सब किए हैं, और आज है वैलेंटाइन डे, तो ऐसा कुछ हम लोग सेलिब्रेट नहीं करते हैं, लेकिन आज आज हस्बैंड बहुत खुश हैं पता नहीं क्यों। और साथ में आया है खाना, तो आज बाहर से ही खाना आया है, लेकिन ये फ्लावर हम ऐसे नहीं लेंगे। वंस मोर सबके सामने ना। हाँ, बाल उल झाड़ रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। अच्छा पहले रुकिए, स्टार्ट हो गया। हैप्पी वैलेंटाइन डे। थैंक यू एंड सेम टू यू। आदत नहीं। जीसू जीसू ये लो, हैप्पी वैलेंटाइन डे। हैप्पी वैलेंटाइन डे। सेम टू यू नहीं बोला? सेम टू यू। हाँ दो, तुम पापा को हम लोग एक ही फूल से काम चला लेते हैं। जी हाँ, हैप्पी वैलेंटाइन डे। अब नहीं, ये लो तुम्हारा बिरिया। चलिए चल आ, जल्दी चल जल्दी आ। आज नहीं, हम बोले ना हम बनाएंगे। आओ आ, जिसो आ जल्दी सब विद विद फैमिली। नहीं ये कौन सी बात? नहीं ना, नहीं क्या बोले ना? नहीं आओ जिसो आओ। नहीं यहाँ पे पापा। बाकी ये कौन सा बात है? इसको वहां रख दो ना। अरे नहीं ना, अब बोले ना। हम बेटा सबके लिए होता है, कौन सी बात है? चलो काटिए ना, हम वीडियो बना रहे हैं। बना रही हूँ वीडियो। हैप्पी वैलेंटाइन डे। हु क्या दी है आप? पापा हाथ, पापा आप भी हाथ लगाइए। मेरे मम्मी के लिए। अरे जाने दो, हम काट रहे हैं ना। हम हमसे बोलो ना, हम काट लेते हैं। पापा लाए हैं इसलिए सबसे पहले। अरे
हैप्पी वैलेंटाइन डे। कोई खाएगा? अरे दिन दीजिए ना उतना जूस। केक बहुत अच्छा है। आ जिया, जिया को बड़ा वाला आप बहुत टेस्टी है जिया। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा और जो नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।